गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमारा रिवीजन चल रहा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, शेर ने दो तीन दिन से क्या नहीं किया था। तो आपको मालूम है बच्चों, कहानी आपने पढ़ी है शेखी बाद मक्खी वाली। शेर ने दो तीन दिन से स्नान नहीं किया था। स्नान का मतलब नहाना। शेर ने दो तीन दिन से स्नान नहीं किया था। दूसरा क्वेश्चन है, अम्मा को कौन तंग करता था? तो अम्मा को आसमान तंग करता था। बादल नहीं बच्चों, उसके पड़ोसी नहीं, कोई और नहीं, उसको आसमान तंग करता था। अम्मा को आसमान तंग करता था। बैल की जान कैसे बची थी बच्चों? तो बैल की जान जो है बित्तों की बहादुरी और समझदारी से बची थी। बित्तों की बहादुरी और समझदारी, ये दो चीज़ें आएंगी इसमें। प्रश्न चार है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब बित्तों घोड़े पर सवार होकर हाथ में दराती लेकर और सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध के खेत पर पहुंची, तो शेर ने उसको राक्षसी समझ लिया। शेर ने बित्तों को इसलिए राक्षसी समझा क्योंकि उसने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांधा था, उसके हाथ में दराती थी और वो घोड़े पर सवार थी। अगला प्रश्न है बच्चों, किन्हीं पांच जानवरों के नाम लिखो जिन्हें खूंटे से बांधा जाता है। आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा कि जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है, तो इनमें से आपको पांच नाम लिखने हैं। तो मैं पांच नाम आपको गिनवा देती हूँ, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, बैल, इन सबको खूंटे से बांधा जाता है। गाय, भैंस, बकरी, बैल, गधा, घोड़ा, ये सारे जानवर खूंटे से बांधे जाते हैं। किन्हीं चार ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनमें महक आती है पर वो खाने की चीज़ें नहीं हैं। बच्चों खाने की चीज़ों की तो अलग ही खुशबू आती है, करेले पकते हैं, कद्दू पकता है, राजमा छोले, सबकी अलग अच्छी अच्छी सी स्मेल आती है। मीठी चीज़ खीर बनती है, हलवा बनता है, उसकी अलग स्मेल आती है। बेसन के लड्डू बनाते हैं, उसकी अलग स्मेल आती है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो खाने की नहीं है लेकिन उनमें से खुशबू आती है या महक आती है, पर वो चीज़ें कौन सी हैं? चार ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो आप अगर बाथरूम में जाओ, नहाने का साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, ये वो चीज़ें हैं जो खाने की नहीं हैं लेकिन जिनमें से बालों में लगाने वाला तेल, उनमें से सब में से मीठी मीठी अच्छी सी खुशबू आती है। बच्चों आगे ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनसे आप वाक्य बनाएंगे। विद्यालय, तालाब, बारिश, मित्र, राक्षस, खुशबू, ये आपको खुद ही बनाने हैं। अपनी मर्जी से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आठवां प्रश्न है बच्चों, इसमें शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए के साथ क्यों बांधी? तो शेर ने डर के मारे अपनी पूंछ भेड़िए के साथ बांधी। भेड़िए के समझाने पर वो खेत में जाने को तो तैयार हो गया बित्तों के, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बित्तों का डरावना रूप देख चुका था। तो उसने कहा, भेड़िए से पहले अपनी पूंछ मेरे पूंछ के साथ बांधो, तब जो है चलना। तो शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए के साथ इसलिए बांधी कि वो बहुत डरा हुआ था, उसे खेत में जाने में डर लग रहा था। तो बच्चों आज के ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा रिवीजन काफ़ी हद तक हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, अभी हमारे पास दो दिन है, 7 और 8 का, उसमें हम कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपका ओरल टेस्ट ले रही हूँ बच्चों, कुछ का गूगल क्लासरूम के बाद लूँगी और कुछ बच्चों को वीडियो कॉलिंग करके उनका टेस्ट लूँगी। तो एकदम तैयार रहना टेस्ट के लिए, जिस भी समय वीडियो कॉल की जाए आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहना। थैंक यू बच्चों, ओके।